Hello students, so today we are going to start the next chapter, second. Name is generation of waste. That means generation यानी किसी चीज़ का उत्पन्न होना, पैदा होना. Of waste, इसमें क्या चीज़ पैदा हो रही है, क्या चीज़ generate हो रही है. Waste, yes we are talking about waste. Means scrap, garbage, rubbish, यानी कूड़ा या वेस्ट, कोई चीज़ जो बर्बाद चली जाए. वेस्ट यानी जो स्क्रैप बन जाती है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर देर इज़ अ डस्टबिन, ठीक है, जो आपने रोड साइड पे भी देखा होगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है ना, रोड साइड पे. तो ये वेस्ट डालने के लिए एक डस्टबिन होता है बड़ा सा, गारबेज डालने के लिए होता है. और कितना सारा गारबेज आपके आसपास भी इसी तरह से ही पड़ा रहता होगा. सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट द जनरेशन ऑफ वेस्ट, यानी कि जो इस तरह का कूड़ा है, गारबेज है, वो किस तरह से पैदा होता है, वो कैसे बढ़ रहा है, कैसे उत्पन्न होता है, उसके जनरेशन के बारे में इस ये चैप्टर है. सो हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? ऑब्वियसली वी ह्यूमन. नाउ लेट्स, इसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स भी चालू की हैं. जैसे कि आपको एक स्कीम के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है, जो कि है स्वच्छ भारत, जो मोदी जी ने स्कीम स्टार्ट की थी. ये तो हमारी गवर्नमेंट ने वेस्ट के लिए, वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए बहुत सी स्कीम्स स्टार्ट की हुई हैं, है ना. एंड जो वेस्ट है, स्क्रैप है, गारबेज है, हमारे आसपास जो भी इस तरह का जो भी डस्ट होता है, डोंट वी कीप इट क्लीन? क्या हमें इसे क्लीन नहीं रखना चाहिए? वी शुड ना, वी मस्ट, वी हैव टू, वी हैव, हमें इसे क्लीन रखना चाहिए. लेकिन क्या हो रहा है आज के टाइम पे, जो मॉडर्न लाइफ है, राइट, तो ऐसे में लोगों के पास शायद फुर्सत ही नहीं है इसे क्लीन करने के लिए, अपने अपने ही आसपास के वातावरण को क्लीन रखने के लिए टाइम नहीं हो पाता है. तो इस वजह से कितना गारबेज जो है वो आसपास फैलता है, उससे क्या हमें नुकसान हो सकते हैं, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. सो लेट्स सी द जर्मिनेशन ऑफ वेस्ट. मॉडर्न मैन इन हिज डेली लाइफ, राइट फ्रॉम द मोमेंट ही लीव्स बेड इन द मॉर्निंग अनटिल ही गोज बैक टू इट एट नाइट, ही कंटिन्यूस टू जनरेट मोर एंड मोर वेस्ट. जो आज के टाइम के लोग हैं, आज का जो व्यक्ति है, उसकी डेली लाइफ कैसी है? बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, राइट, उसके पास टाइम ही नहीं होता. सो राइट फ्रॉम द मॉर्निंग, राइट फ्रॉम द मोमेंट ही लीव्स द बेड, जैसे ही वो मॉर्निंग में, यानी कि मॉर्निंग में जब उठता है, और तब से लेकर जब वो वापस बेड पे सोने के लिए जाता है, यानी जब जैसे ही बेड जैसे ही इंसान उठता है, ठीक है, तब से लेके रात तक का जो टाइम है, उस टाइम के ड्यूरिंग में वो क्या करता है? ही कंटिन्यूस टू जनरेट मोर एंड मोर वेस्ट. वो कंटिन्यूसली, रेगुलरली, पूरे दिन भर में जो वेस्ट है, यानी जो गंद है, जो स्क्रैप है, वो जनरेट करता रहता. हाउ? आप तो सोचेंगे कि भाई मैं तो नहीं करता, मैं तो सारी चीज़ें साफ़ सुथरी रखता हूँ, है ना. बट क्या करते हैं हम अनजाने में? ही ड्रिंक्स टी, जो ह्यूमन है, ठीक है, आज का जो मॉडर्न मैन है, यानी जो इंसान है, उनके बारे में ये बताया गया है. ही ड्रिंक्स टी, जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं हम. मॉर्निंग में उठे हमने, ठीक है, वो चाय पी, जैसे चाय पी रहे हैं, चाय पी के जो उसकी टी लीव्स होती हैं उसको हम फेंक देते हैं. ईट बिस्किट, बिस्किट खाते हैं, एंड थ्रोज अवे द पैकेट, उसके पैकेट फेंक देते हैं.
कुक्स हिज फूड एंड जब खाना पकाते हैं एंड गल्प्स डाउन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विदाउट केयरिंग टू डू एनी थिंग वर्थ वाइल टू द पीलिंग्स एंड पीलिंग्स और जब हम खाना बनाते हैं तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं बिना उसकी परवाह किए कि उनका क्या होगा या उनकी वजह से गंद भी फैल सकता है एंड गोबल्स अप द हिज लंच विदाउट केयरिंग व्हाट वुड हैपन ऑफ द फॉइल एल्यूमिनियम फॉइल और जो खाना है ठीक है हम लंच जो होता है खाना है वो भी फटाफट खा लेते हैं ठीक है। तो ये जो बात हो रही है एक वर्किंग पर्सन के बारे में बात हो रही है ठीक है। वो क्या करता है हम लंच लेके जाते हैं जैसे वी यूजुअली टेक द लंच विद अस टू द ऑफिस एंड जैसे स्कूल जाते हैं हम आप भी स्कूल आते हैं लंच होता है आपके पास तो उस फॉइल पेपर का क्या होता है उस कुछ स्टूडेंट्स फेंक देते हैं ठीक है कुछ प्रॉपरली उसको उसका ध्यान रखते हैं है ना कि भाई वेस्ट नहीं फैलना चाहिए और उसे अपने लंच बॉक्स में ही रखे और इधर उधर ना फेंक के डस्टबिन में ही थ्रो करते हैं राइट। अब ये सारी चीज़ें जो हैं एंड देर आर लॉट ऑफ मोर एग्जाम्पल्स अबाउट द वेस्ट ठीक है कि हम चीज़ों को किस तरह से इतना वेस्ट करते हैं लाइक टैप वाटर या और भी चीज़ों से वाटर होता है ठीक है वो स्पेल होता रहता है गिरता रहता है एंड अननेसेसरली हम इलेक्ट्रिसिटी का भी वेस्ट करते हैं और बहुत सी सारी चीज़ें हैं जिनको हम वेस्ट करते हैं राइट। बट क्या इन चीज़ों का जो स्क्रैप भी है लाइक पेपर है एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं पेपर जो कि इसमें भी दिया हुआ है ठीक है। पेपर जब आप यूज़ कर लेते हैं एक ब्लैंक पेपर है आपने उस पर राइट किया वो फिल हो गया वन साइड से आपने उसका बैक साइड भी यूज़ कर लिया। कुछ लोग क्या करते हैं पेपर पे हल्का सा गलत होते ही वो उसको टियर करके थ्रो कर देते हैं। डज इट द राइट वे टू यूज़ दैट क्या ये उसको यूज़ करने का सही तरीका है नॉट एट ऑल। वो एक पेपर जो है जो आपसे अगर हल्की सी भी गलती हो गई उस पर तो अगर आपने टियर किया भी है तो आप उसे संभाल कर रखिए जिससे कि आप और भी उस पर यूज़ कर सकते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं राइट। यू कैन डू अदर वर्क ऑन दैट पेपर यू कैन यूज़ दैट पेपर उस चीज़ को हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपने फ्रंट राइट किया फिल हो गया आपने बैक साइड यूज़ की फिल हो गया। कुछ लोगों के लिए पेपर पर बस लिखना ही उसका यूज़ होता है बट नो दिस इज़ नॉट द यूज़ ऑफ पेपर मतलब ओनली द यूज़ ऑफ पेपर ठीक है। सिर्फ यही एक यूज़ नहीं है कि पेपर है पेपर हम लिख सकते हैं अगर उसकी बोथ साइड भी यूज़ हो चुकी हैं उसके बाद भी वो पेपर हमारे लिए यूज़फुल है। कैसे उस पेपर से आप अदर क्राफ्ट थिंग्स बना सकते हैं राइट रादर देन कि उसको क्रश करके उसकी एक बॉल बना के अच्छी सी और उसको फेंके हम उसके बजाय भी बहुत से यूज़ हो सकते हैं उस पेपर के भी जिस पे हमने सिर्फ राइट किया है लेकिन हम क्राफ्ट थिंग्स भी बना सकते हैं उससे राइट। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था पेपर का बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो इसमें भी एग्जांपल दिया हुआ है नॉट ओनली इन फूड ही जनरेट्स वेस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल हिज एक्टिविटी ना ही सिर्फ फूड को वेस्ट करता है इंसान ह्यूमन बल्कि और भी अदर चीज़ों को भी यूज़ करता है अपनी डेली एक्टिविटीज़ के अंदर। ही वेस्ट अ लॉट ऑफ पेपर विदाउट पेइंग अटेंशन टू द फैक्ट दैट ही कुड हैव यूज्ड इट ऑन द बोथ साइड्स इन ऑर्डर टू सेव सम प्रेशियस ट्रीज पेपर दैट डू यू नो कि एक पेपर के लिए कितने ट्रीज़ को कट करना पड़ता है। तो इतने ट्रीज़ को कट कर एक जो हमारा पेपर होता है उसके लिए आई थिंक 1000 ट्रीज़ को कट करना पड़ता है ठीक है उस एक पेपर के लिए मतलब बहुत से पेपर्स हैं मतलब बहुत से ट्रीज़ होते हैं जो जिनको हमें कट करना पड़ता है उन सब से मिलकर वो पेपर्स बनते हैं। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट दैट पेपर्स हमारी लाइफ में तो एक स्टूडेंट की लाइफ में तो बहुत यूज़ आता है बहुत यूज़फुल है पेपर राइट ना। सो ही वेस्ट अ लॉट ऑफ पेपर विदाउट पेइंग अटेंशन बिना ये इस चीज़ की परवाह किए ध्यान दिए कि उस पेपर का वो बोथ साइड से यूज़ कर सकता है और जिसको यूज़ करके वो बहुत से चीज़ को बचा सकता है। ही डिस्कार्ड्स क्लोथ्स वाइल दे आर स्टिल यूजबल
जो कपड़े, कुछ लोगों की आदत होती है ना कि नहीं मैं इससे बोर हो गया और वो न्यू खरीदते हैं। बट जब कोई आपके क्लोथ्स यूज़ में आ रहे हैं और भी यूज़ में आ सकते हैं, तो व्हाई डोंट यू यूज़ दैट? उन्हें हमें यूज़ करना चाहिए, ना कि ऐसे फेंक देना चाहिए। सो ही डिस्कार्ड्स क्लोथ्स, क्लोथ्स भी बर्बाद कर देता है वाइल दे आर स्टिल यूजेबल, जबकि वो कपड़े यूज़ में होते हैं, ठीक है, वो यूज़ किए जा सकते हैं। ही बाइज़ येट अनदर सेट ऑफ टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन। एक फ़ोन है, ठीक है, ज़रूरत हो तो बात अलग होती है। कुछ लोग फैशन के नाम पे और जस्ट फॉर पैसे, इतने वेस्ट पैसे, इतने एक्स्ट्रा आ रहे होते हैं जस्ट फॉर शो ऑफ भी लोग चीज़ें स्पेंड करते हैं, मनी स्पेंड करते हैं इन चीज़ों पर। टेलीफोन्स, वेन एवर सम न्यू फीचर आर इंट्रोड्यूस्ड, कुछ लोग होते हैं ना कि नए से नए न्यू फीचर आते जाते हैं, तो लोग अपने पुराने वाले फ़ोन, जब भी वो यूज़ में आ रहे होते हैं और जस्ट फॉर कुछ न्यू फीचर्स की वजह से लोग मोबाइल टेलीविज़न अपने चेंज कर देते हैं, और पुराने वालों को क्या करते हैं, वो कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही फेंक देते हैं। उसको भी तो यूज़ कर सकते हैं, डोनेट कर दो किसी और नीडी पर्सन को, दे सकते हैं, वो भी तो यूज़ हुआ उसका, राइट? या उसे सेल कर सकते हैं। सो थ्रू थ्रू इन फैक्ट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड एट ऑल। तो उनमें से जो बहुत सी चीज़ें होती हैं, जिसमें से कि बहुत सारी चीज़ें यूटिलाइज भी नहीं होने वाली होती, लेकिन फिर भी ह्यूमन बाइज ऑल दोस थिंग्स। एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल, और सबसे वर्स्ट बात क्या है, इन सब में से वर्स्ट थिंग क्या है? मॉडर्न मैन गोज़ ऑन टू जनरेट वेस्ट विदाउट केयरिंग टू नो वॉट वुड हैपन टू द वेस्ट जनरेटेड बाई हिम। और जो मॉडर्न मैन है क्या करता रहता है, चीज़ों को मतलब जो उसका जो वेस्ट है उसको जनरेट करता रहता है, करता जा रहा है विदाउट केयरिंग, बिना इस चीज़ की परवाह किए कि इन सब चीज़ों के जनरेट होने से, यानी इस वेस्ट के जनरेट होने से आगे क्या हो सकता है, इन फ्यूचर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं इसके। वेस्ट है, स्क्रैप है, यानी कि गंद है, तो उसका तो ऑब्वियसली हमें हार्म ही कर सकता है उसके। अगर कहीं एक जगह पे कूड़ा इकट्ठा हो जाए, जैसे कि आपने रोड साइड पे भी देखा होगा, तो कितने ही जानवर ऐसे होते हैं जो उस कूड़े को खाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से उन्हें डिजीज़ हो जाती हैं। कितने ही इंसेक्ट और बहुत ही अजीब तरह के कुछ कीड़े भी वहाँ पे जनरेट हो जाते हैं, ठीक है, जो कि किसको हार्म करते हैं, हमें ही हार्म करते हैं, एनिमल्स को हार्म करते हैं, हमारे नेचर को हार्म करते हैं, राइट? तो टूवर्ड दी एजेस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी टाउन एंड सिटी यू कैन फाइंड अगली स्टिंकिंग साइट्स वेयर वेस्ट आर डम्प्ड। तो आपने देखा होगा हमारी जो सिटी है या ऑलमोस्ट हर टाउन है, ठीक है, उनके वहाँ पे जगह जगह पर क्या लगे होते हैं, कुछ जो बनाया मतलब सिटी से बहुत दूर जाके यू कैन फाइंड अगली स्टिंकिंग साइट्स, ऐसी कुछ साइट्स होती हैं। अगर आपने देखा होगा हमारी सिटी के एकदम बहुत ही लास्ट में जाके, मतलब एकदम एंड में जाके और सिटी से थोड़ा दूर कुछ जगह बनाई जाती हैं, कुछ साइट्स बनाई जाती हैं जहाँ पर कि क्या रखा जाता है, जहाँ पर कि वेस्ट जो होता है, यानी कि जो कूड़ा कचरा है वो वहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। तो स्टिंकिंग मीन्स अनप्लीजेंट स्मेल। अब जहाँ पर कूड़ा कचरा रखा जाएगा वहाँ पर क्या होगा, स्मेल तो आएगी ही, ठीक है। सो साइट्स वेयर वेस्ट इज़ डम्प्ड, जहाँ पर वेस्ट को डंप किया जाता है, यानी कि दबाया जाता है, ठीक है। नॉट ओनली दिस, देयर आर सम डंपिंग ग्राउंड्स विद इन ऑलमोस्ट एवरी लोकेलिटी, और वहाँ पर कुछ डंपिंग ग्राउंड्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे खड्डे बनाए जाते हैं जहाँ पर कि हम वहाँ ग्राउंड पर, यानी कि ज़मीन पर
उस कूड़े कचरे को दबा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ओपन नहीं छोड़ के कुछ ग्राउंड बना दिए जाते हैं जहाँ पर कि डंपिंग को हम रख सकते हैं। एज वेस्ट कंटिन्यूज टू बी जनरेटेड इन स्टिल ग्रेटर क्वांटिटीज देन एवर बिफोर द डंपिंग साइट्स आर बाउंड टू एक्सपेंड एंड बिकम स्टिल मोर स्टिंकिंग। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे जैसे जो वेस्ट है वो बढ़ता रहता है, ठीक है, एज वेस्ट कंटिन्यूज टू बी जनरेट इन स्टिल ग्रेटर क्वांटिटीज, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट है, जो ऐसे कूड़ा कचरा है वो बढ़ता जाएगा, देन एवर बिफोर द डंपिंग साइट्स आर बाउंड टू एक्सपेंड। तो हमें डंपिंग साइट्स जो हैं उन्हें बढ़ाना पड़ जाएगा। अगर डंपिंग साइट्स को बढ़ाना, उसका एरिया को बढ़ाना पड़ा तो उससे क्या होगा, वो और भी ज़्यादा स्मेली हो जाएगा, ठीक है, और भी ज़्यादा बैड स्मेल आएगी एंड बिकम स्टिल मोर स्टिंकिंग। बनैलिटी, द स्कैवेंजर्स हु मेक अ लिविंग फ्रॉम कलेक्टिंग रबिश मीन्स गार्बेज एंड सॉर्टिंग इट आउट आर द वर्स्ट सफरर्स। तो इसमें क्या बताया गया है, अब जो कूड़ा कचरा है, ठीक है, हु क्लीन्स दैट, कौन क्लीन करता है उसे। आपने देखा होगा ना रोड साइड पे भी जो ये जहाँ पे डंपिंग्स बनाए जाते हैं या फिर जहाँ पे गार्बेज रखे जाते हैं, उन्हें क्लीन करने के लिए उन्हें कौन क्लीन करता है, स्वीपर, राइट। सो स्कैवेंजर्स मीन्स दोस पर्सन हु डिस्कार्ड द वेस्ट, ठीक है, जो वेस्ट को डिस्कार्ड करने में यानी कि हटाने में हेल्प करते हैं वो पर्सन स्कैवेंजर्स कहलाते हैं, दैट मीन्स स्वीपर। सो बैनलिटी, द स्कैवेंजर्स हु मेक लिविंग फ्रॉम कलेक्टिंग रबिश एंड सॉर्टिंग इट आउट आर द वर्स्ट सफरर्स, ठीक है, ये ऐसे पर्सन होते हैं जो कि हमारी सिटीज़ और हमारे जो आसपास की जो जगह है वहाँ से उस रबिश को यानी गार्बेज को, वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसकी साफ़ सफाई करते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से सारा वो गंद हटाते हैं। तो ज़्यादा खतरा किन्हें होगा, इन्हें होगा ना, क्योंकि हम तो फिर भी घरों में बैठते हैं या इनको क्लीन नहीं करते हैं, जो सिटी में और हमारे अराउंड में होता है वेस्ट होता है उसे तो हम जाकर क्लीन नहीं करते हैं, बट इन इसको कौन क्लीन करने आता है, स्वीपर्स आते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं, और इन्हें ही सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है अगर इस वेस्ट, इस गार्बेज से कोई भी डिज़ीज़ होती है। डेफिनेटली गार्बेज है उसको, ये वेस्ट है, तो इस अगर हम इसको कंपोज डिकम्पोज नहीं करेंगे या इसको इसका मैनेजमेंट नहीं करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो ज़्यादा डिजीज़ फैलेंगी ही, और जो इन्हें क्लीन कर रहे हैं उनको तो सबसे ज़्यादा डेंजर होता है इसके लिए। सो दे आर द वंस टू पे द प्राइस, तो ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कीमत चुकानी पड़ती है, भुगतान करना पड़ता है फॉर अ वर्ल्ड वाइल्ड कल्चर, ठीक है, हमारा जो वर्ल्ड वाइल्ड कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, इन वाइल डिस्पॉसिबिलिटी डिस्पोजिबिलिटी हैज़ बिकम अ नॉर्म, जहाँ पर डिस्पोजिबिलिटी यानी कि किसी जो डिस्पोजिबिलिटी है, ठीक है, उसे यानी जो डिस्पोज होते हैं, यानी जो जिन्हें, दे आर द वंस टू पे द प्राइस फॉर द वर्ल्ड वाइल्ड कल्चर इन वाइल डिस्पोजिबिलिटी हैज़ बिकम अ नॉर्म। तो जो हमारी संस्कृति है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड जो दुनिया भर में संस्कृति है, ऐसे में जो ये लोग होते हैं यानी कि जो स्कैवेंजर्स होते हैं, इन्हें भुगतान करना पड़ता है, जिसकी वजह से जबकि डिस्पोजिबिलिटी हम सबकी जिम्मेदारी है, ना ही सिर्फ इनकी। बट डोंट थिंक दैट इट इज़ ओनली द स्कैवेंजर्स हु हैव टू पे द प्राइस फॉर आर जनरेशन वेस्ट इन द लॉन्ग रन, इट इज़ यू एंड वी who have to suffer। अगर ये स्वीपर्स जो होते हैं, ऐसे जो लोग हैं, स्कैवेंजर्स हैं, दे आर हेल्पिंग अस टू क्लीन द गार्बेज, बट
डोंट थिंक, हमें ये नहीं सोचना चाहिए दैट ओनली द स्केवेंजर्स हु हैव टू पे द प्राइस, कि सिर्फ इन्हें कीमत चुकानी पड़ती है इस बढ़ते हुए वेस्ट के लिए. इट इज़ यू, ये आप भी हो सकते हैं, वी हम भी हो सकते हैं, हम सब हो सकते हैं, हु हैव टू सफ़र, जिसे सफ़र करना पड़ सकता है इन इस वजह से, इस वेस्ट के जनरेशन की वजह से, इसके बढ़ते हुए जनरेशन की वजह से. अब इसके इफ़ेक्ट क्या पड़ सकते हैं हम पर? वेस्ट इन टर्न, बदले में ये वेस्ट क्या करता है, अब बहुत सारा जो गंद है, जो गार्बेज है, वो अगर फैला रहे, उसे हम मैनेज नहीं करें, क्लीन नहीं करें, तो इससे क्या हो सकता है? सो इन इन रिटर्न ये क्या करता है, जो वेस्ट है जनरेट्स टॉक्सिन विच आर ऑब्जर्व बाय द ग्राउंड. ठीक है, ये ऐसे टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, जिससे जो कि हमारे जो जो कि ग्राउंड में चले जाते हैं, यानी ज़मीन जो है जिस जगह पे ये वेस्ट होगा वो आसपास की जगह को भी पॉल्यूट करेंगे, और जो ग्राउंड है वहाँ पर भी इसके जो टॉक्सिन होते हैं, यानी कि जो उससे उसके इकट्ठा होने से जो बनने वाला, उसे जनरेट होने वाला जो पॉइजन होता है या वेनम होता है, वो भी ग्राउंड में चला जाता है. इट कंटेमिनेट्स द एरिया अराउंड द डंपिंग साइट्स. कंटेमिनेट्स मीन्स पॉल्यूट करना, दूषित करना. ऑब्वियसली जो वेस्ट है अगर हम उसे क्लीन नहीं करेंगे तो वो जिस जगह पर है उसके आसपास की जगहों को भी टॉक्सिन जो उससे बनते हैं, जो पॉइजन बनता है उससे, वो ग्राउंड में जाएगा, और जो भी आसपास की जगह है, जो डंपिंग साइट्स है, वो उसको भी कंटेमिनेट करेगा, यानी पॉल्यूट करेगा. एंड द ग्राउंड्स, अब जिस जगह पर है, जो ग्राउंड है, लॉस इट्स फर्टिलिटी. नॉट ओनली दिस, ठीक है, ना ही वो सिर्फ अपनी वो जगह जो ज़मीन है वो ना ही सिर्फ अपनी फर्टिलिटी को लॉस करती है, यानी ना ही सिर्फ फर्टिलिटी को लॉस करती है, बल्कि क्या होता है, इट मे लीड, क्या उससे किस चीज़ को बढ़ा सकती है वो चीज़, लीड टू ग्रोइंग ऑफ हार्मफुल क्रॉप्स. उसके उस जगह पर हार्मफुल क्रॉप्स भी पैदा हो सकती हैं. इफ़ वी नाउ हियर ऑफ पॉइजनस वेजिटेबल्स, जैसा कि अब हम सुनने को मिलता है हमें कि हाँ ये इस वेजिटेबल में पॉइजन है, तो ये किस वजह से होता है? ये ऐसी ही डंपिंग की वजह से होता है, जहाँ पर कि ये वेस्ट जो है वो ग्राउंड में चला जाता है, और अगर वहाँ पर कुछ क्रॉप्स जो होती हैं हार्मफुल क्रॉप्स वो आ जाती हैं, या फिर अगर वहाँ क्रॉप्स नहीं हुई और ऐसी कोई जगह हुई जो टॉक्सिन हुई, वहाँ पर अगर क्रॉपिंग की जाए तो जो वेजिटेबल्स या जो कुछ भी हमने क्रॉप किया होता है वो भी उसके अंदर आ जाता है, तो जिससे कि वो वेजिटेबल पॉइजनस बन जाती है, जो हमें हार्म करती है. द डंपिंग्स ग्राउंड and canals have to roll to pay to this. Moreover, इससे भी ज़्यादा क्या होता है कि a dumping ground attracts animals and insect. और ये जो dumping grounds होते हैं ये smelly होते हैं, है ना, तो ये किसको attract करते हैं? Animals को attract करते हैं. बिकॉज आपने देखा होगा कि animals जो हैं वो ऐसे ही थोड़ी गंदी जो जगह होती हैं वहाँ पर चले जाते हैं, जाते हैं ना, आपने भी देखा होगा. सो क्यों जाते हैं? बिकॉज दैट डंपिंग ग्राउंड जो होता है वो उसकी जो स्मेल होती है दैट अट्रैक्ट्स एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स सच एज डॉग, काउज, पिग्स, रैट्स, फ्लाइज एटसेट्रा. तो इससे क्या होता है, दिस नेचुरली बिकम्स द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ डिजीजेस. तो ये जगह जो होती हैं अपने आप ही बीमारियों का घर बन जाती हैं, ड्यू टू विच सेवरल काइंड्स ऑफ थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूट द जनरेटेड सॉरी पीपल आर जनरेटेड. और इससे क्या होता है, ड्यू टू विच, इस वजह से क्या होता है, सेवरल काइंड्स ऑफ बहुत से तरह के जो थ्रेट्स होते हैं, डेंजर होते हैं, वो एनवायरनमेंट को भी होता है, एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुँचता है, और हम ह्यूमंस को भी. It pollutes air and water.
एयर और वाटर को भी पॉल्यूट करता है. ऑब्वियसली किसी जगह पर अगर गंद पड़ा है, वो वहाँ पर इंसेक्ट्स हैं, फ्लाइज हैं या एनिमल्स हैं, और वहाँ पर उस गंदगी की वजह से अपने आप ही कुछ इंसेक्ट या कुछ कीड़े जनरेट हो गए हैं, और वो फिर हवा में भी, एयर में भी होते हैं, राइट? तो दैट पॉल्यूट्स एयर एंड वाटर ऑल्सो. और अगर कहीं वो किसी वाटर सप्लाई, वाटर बॉडी के अंदर चले जाएँ ऐसी चीज़ें, तो वहाँ में भी नुकसान पहुँचा सकती हैं. एंड हैज़ एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी हेल्थ, और हम सभी की हेल्थ पर एडवर्स इम्पैक्ट उस चीज़ का पड़ता है, यानी कि बुरा असर पड़ता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.